वो जो चाहते थे वो हो गया, वो दिन आ गया, चांद भी आज भारत का हो गया। आपको पता है जब ये लैंडिंग हो रही थी इसकी लाइव स्ट्रीम्स यूट्यूब पर दिखाई जा रही थी, तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने देखी है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो तकरीबन 6.1 मिलियन लोगों का था, ब्राजील और क्रोशिया का मैच था लाइव, उसको देखा जा रहा था। जी आपको खबर देते चले कि इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ, आज वो दिन आ गया फाइनली, वो दिन आया जिसके लिए शायद 140 करोड़ इंडियंस ने नहीं इंतजार किया होगा। अरे नाजिया जी जो आप कर रही है वही मोदी जी कर रहे हैं। नाजिया जी और मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट वीडियो कि शी जिनपिंग की क्या शक्ल होती है, क्योंकि मोदी जी विल बी विद लाइक 56 इंच का सीना है अपना, ठीक है, चंद्रयान 3 लैंड कर गया। और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमने, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह। वो यही दुआएं कर रहा था। और एक और पड़ोसी देश है जो चाइना है, वो भी यही दुआ कर रहा था, आओ गो गी डो 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 ना चंद्रयान डो डो दीजिए। वो चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। पाकिस्तान के भी टीवी चैनल पर ये चलना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए चंद्रयान 3। और लिटरली भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है। आप लोग भी बाहर निकले तिरंगा लेके लाहौर में और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। नहीं मारेंगे बेटा, नहीं मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज भारत उन महाशक्तियों के साथ शामिल हो चुका है जिसने इसरो पर कदम रखा है। आज भारत पहला ऐसा देश है जिसने साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ा हो, जिसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट और लीडर्स भारत को बधाइयां दे रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत के लोग में एक अलग सी खुशी की माहौल छा गई है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसरो ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और वो ये है कि जब हमारा विक्रम रोवर लैंड कर रहा था तब 8 मिलियन लोगों ने एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग में इस वीडियो को देखा, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो के चीफ सोमनाथ जी को कॉल करके बधाइयां दी और इसरो में काम कर रहे हर एक साइंटिस्ट और हर एक वर्कर को शुभकामनाएं दी। दोस्तों एक दिन आज का है जब पूरा भारत इसरो के साथ मिल करके खुशियां बना रहा है, लेकिन एक दिन वो था जब 2019 में हमारा चंद्रयान मिशन 2 सक्सेस नहीं हुआ था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसरो के साथ इसरो के चीफ के साथ खड़े रहे और उन्हें मोटिवेट किया। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त तारिक क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, लाइक सबकी सांसें रुक गई थी एक लम्हे के लिए कि क्या होने वाला है। लाइक जब लूना 25 क्रैश किया तो सबकी धड़कने जो है वो बंद गई थी कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश ना आ जाए, जिस तरह चंद्रयान 2 के साथ हुआ 3 के साथ ना हो। फाइनली वो मूवमेंट देखने वाले थे इसरो के तमाम लोगों के, जिस तरह वो उनकी सांसें रुकी हुई थी और चंद्रयान को वो लैंड करते हुए देख रहे थे। आपने लैंडिंग देखी, उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं लैंडिंग यूट्यूब पे देख रहा था और बड़ी बात है जो आपने कहा मैम कि कैसा महसूस कर रहे थे। तो जब लास्ट टाइम हम लोगों ने भेजा था तो हम लोग फिंगर क्रॉस किए हुए थे कि चलो पहुंच जाए, बट वो नहीं हो पाया। आज जब दोबारा देख रहा हूँ कि वो लैंड कर गया तो खुशी इसलिए ज़्यादा क्योंकि हम फेल हो चुके थे पहले, और कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, इंक्लूडिंग आपकी कंट्री में मजाक उड़ाया था कि चलो नहीं हुआ, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है जब कोई इंसान देखता है ना कि मुझे डिच किया जा रहा है, फिर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आप फिर ऊपर उठते तो मजा आता। तो एक कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है कि लोग अगर आपका मजाक उड़ाए ना तो आप अपना टारगेट मत छोड़ो, आप फोकस करो उसके ऊपर। तो आज हम लोग वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच पाया, साउथ साइड ऑफ मून इंडिया आज पहुंच चुका है, और जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इसका बहुत फायदे होने वाले हैं हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को, फिर हम लोग इसका फायदा देंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि चांद पे पानी है ये भारत ने ही ढूंढा था बिल्कुल 90s में पहली बार, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का मौका है। और हम लोग जैसा कहते हैं मैम कि जब पहला रॉकेट हम लोगों ने बनाया था इसरो में, तो उसके पार्ट्स और उसको ले जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल हुई थी,
उस समय बजट कंस्ट्रेंट भी थे, रास्ता ऐसा था, तो वहां से जो सफर शुरू हुआ मैम के आज साइकिल से लेकर के हम लोग मतलब महंगी मूवी की कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज को पूरा कर दिया। सो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। जबकि कुछ दिन पहले जो है लूना 25 पाकिस्तान की जानिब से तारीख इसको बहुत ज्यादा तनकीद किया जा रहा था कि 615 करोड़ वेस्ट हो जाएंगे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इवन कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर पहले तो चंद्रयान 3 को इसरो को तनकीद करते रहे और उसके बाद उनकी कल एक स्टेटमेंट आई कि भाई पाकिस्तान के भी टीवी चैनल पर ये चलना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए चंद्रयान 3। और लिटरली भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो इसरो को, भारत को और इस मिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लिटरली मेरे लूज पाम जो है वो खड़े हो गए जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लाइक एक टिकटिकी बंधी हुई थी कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज बड़े अरसे से हम इसरो को फॉलो कर रहे थे और शायद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानियों को इंतजार था भारत के चांद पर लैंड करने का। पाकिस्तानियों को इंतजार किस बात का था कि वो फेल हो जाए या फिर लैंड हो जाए? नहीं, हमें तो लैंडिंग का ही भाई इंतजार था, फेल होने वाले भी होंगे लेकिन आज जो कह लेंगे उनके मुंह के ऊपर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ गया है। मैम देखिए दुनिया में ना कई किस्म के लोग हैं, उसमें मैक्सिमम किस्म के वो लोग हैं जिनका दुख ये नहीं है कि उनके पास दुख है, उनका दुख ये है कि दूसरे के पास सुख क्यों है, तो वो दूसरे की सक्सेस को से अपना दुख को झेलते हैं, तो ऐसे कई लोग होते हैं। एनीवेज जिन लोगों ने तनकीद किया या फिर जिन्होंने कमेंट किया, जैसे आपके मिनिस्टर ने भी कहा था कि चांद तो हम यहाँ से देख लेते तो वहाँ की जाने की जरूरत क्या, मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों कहा ऐसा, बट मैं चांद पे जाने के फायदे बता देता हूँ, शायद उनको समझ में आए अगर वो वीडियो देखेंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हुई आपके वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, बट चांद पे जाने के कई फायदे हैं। पहली बात तो ये कि एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी सारी चीज़ें हैं जो स्पेस में हमारे यूनिवर्स में उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। दूसरी बात, चूंकि पानी ऑलरेडी वहाँ पे है तो इससे मिनरल रिसोर्स और अदर चीज़ों के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मिल सकते हैं वहाँ पे और लाइफ भी है। तीसरी चीज़ ये है मैम कि जो सोलर सिस्टम है हमारा उसके बारे कई सारी इन्फॉर्मेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, सेटेलाइट सिस्टम, बहुत सारा फायदा होने वाला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। तो आप सोचिए कि जब 4 कंट्री वहाँ पे हैं तो इट ऑल्सो ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, कि कल को और कोई रेडियो वेव नई तरीके की या कुछ फाइंड होती है या फिर कोई ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स पाया जाता है जिससे कम्युनिकेशन या किसी चीज़ को और बेहतर किया सकता है, तो ऑब्वियसली मैम कि इंडिया के लिए एक स्कोप बनता है जहाँ पे और कंट्री हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर चाहेंगे हमसे जुड़ना कि हम उनकी हेल्प करें, सारा कुछ करें, ठीक है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मुझे पता नहीं कि इसको तवज्जो आपके मिनिस्टर ने क्यों नहीं दिया, शायद उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शायद ये वजह भी है मैम कि हमारा इंटरनेट बहुत सस्ता है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जैसे मैंने बताया आपको। सो जब आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हो ना आज, वो आपको उसका रिजल्ट कल देता है।